नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव हुए, जिसमें एनडीए की हार हुई और इंडिया की जीत। हार के बाद सबकी निगाहें हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर टिकी थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव में जीत को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। हालांकि अब चुनाव में मिली हार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के हार का बड़ा कारण बता दिया है। क्या कहा है राजभर ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। पांच सितंबर को घोसी में हुए उपचुनाव के बाद सबकी निगाहें उपचुनाव के रिजल्ट पर थी, पर 8 सितंबर को आए घोसी के परिणाम ने एनडीए खेमे में उदासी ला दी। इस चुनाव में दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की साख भी दांव पर लगी थी। ओम प्रकाश राजभर से जब इस चुनाव के हार के मायने पूछे गए तो उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव ना लड़ना उनकी हार का एक बड़ा कारण है। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने वोटों को खरीदने का भी एक बड़ा आरोप इंडिया गठबंधन पर लगाया। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा कि वोटिंग के पहले पैसों से भरी समाजवादी पार्टी की तमाम गाड़ियां टहल रही थी और लोगों को पैसे बांटे गए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शिकायत भी की और तमाम लोग थाने पर बैठाए गए, लोगों की गाड़ियां जब्त की गई। उन्होंने आगे कहा कि अगर घोसी में बीजेपी का कोई और कैंडिडेट होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। दारा सिंह चौहान का वहां पर रिएक्शन था, लोगों को दारा सिंह चौहान से दिक्कत थी और अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी होता तो शायद हम चुनाव जीत जाते। आपको बता दें कि चुनाव की शुरुआत से ही घोसी में बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई देखने को मिल रही थी। वहीं ओपी राजभर ने मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि जो लोग इससे परेशान हैं वो लोग दिल थाम कर बैठे और हम मंत्री जरूर बनेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्षियों का कलेजा ना फटे और वो लोग धैर्य रखे। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के मालिक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हैं और उनको तय करने दीजिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में हार के बाद से ओपी राजभर की बहुत फजीहत हो रही, क्योंकि वो लगातार घोसी में जीत का दावा कर रहे थे। वहीं उन्होंने हार का कारण मायावती को बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि दारा सिंह चौहान से घोसी के लोगों को दिक्कत थी, जिसके कारण वो हार गए। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।